सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2023-24, ये ना 2024 का प्री टेस्ट है और ऑल इंडिया में ना सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऑल इंडिया में। तो आप कहीं से भी हो अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। ये आंसर शीट है जिस पे कॉपी चेक होता है, इस तरह से आपका फिलअप करने का आता है। और बाकी आपको सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे, बुक आप कोई भी नहीं लेना, गलती से भी ना बुक परचेज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका घाटा जाएगा। बुक्स में ना आपको ये सब कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना होगा तो पीडीएफ ले लेंगे, पेड कोर्स पीडीएफ है अपना, अभी बुक नहीं आया, ठीक है। तेजस का बुक अपना नेक्स्ट टाइम से आएगा, तो आप लोग तो पास आउट हो जाओगे। तो बी वाले ले लेंगे, अभी टाइम है, मतलब तो इस साल आ जाएगा। तो अभी आप पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा 9341325130 पर आप मैसेज कर लेंगे, और पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें सारा डाटा होगा। और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे www.tejasNCCArmy.com से, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया हूँ। तो चलिए सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। और एग्ज़ाम आपका 18 को है ना, तो उसके पहले मैं क्रैश कोर्स भी अपलोड कर दूंगा, वेपन ट्रेनिंग से होगा 10 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स, 5.56 mm इंसास रिपल का खाली मैगजीन के साथ वजन, तो 4.1 kg होता है, सॉरी 4 kg, ठीक है, खाली मैगजीन के साथ इसका ना 4.08 दे दिया, बट इसका तो 3.69 हम लोगों ने पढ़ा है, इसका आप लोग ने इतना ही याद रखना, ठीक, बट इतना दिया ही है। बी, 5.56 mm इंसास रिफल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स। सी, 0.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज। डी, 0.22 इंच राइफल की लंबाई 43 इंच। ई, 5.56 mm इंसास रिफल का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। नेक्स्ट, सेकंड, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार के होते हैं, लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। थर्ड, फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले 5 सुरक्षा नियम लिखे, पुलिस को सूचना देना, लाल झंडे का प्रयोग, हथियार का निरीक्षण, एमुनेशन एरिया 100 गज दूर हो, संतरी लाल कपड़ों में खड़ा हो। यह हो गया वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का। नेक्स्ट, पार्ट थर्ड मिसलेनियस 240 का फर्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 10 नंबर का। फोर, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, भाषा की एकता, सांस्कृतिक एकता। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीकों के नाम लिखो, राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, खेल हॉकी, राष्ट्रीय फल आम। नेक्स्ट, सिक्स, मैच द फॉलोइंग, इसमें ना मिलान करो, इसमें ना आंसर ही दे दिया, ठीक है, आंसर शीट है, थिम्पू का भूटान हो जाएगा, जवाहर टनल जम्मू कश्मीर हाईवे है, बीजिंग चाइना की राजधानी, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, और गली क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आप याद रखेंगे। सेवन, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, कोई भी 5 लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट 70 नंबर, तो ध्यान दे, सी सर्टिफिकेट हो चाहे बी सर्टिफिकेट हो या ए सर्टिफिकेट हो, 90% क्रेडिट्स फेल होते हैं इसी टॉपिक में, पर्सनालिटी में, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट, अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता, समय की पाबंदी, कार्य करने की क्षमता, सहानुभूति रखना आदि अच्छे नागरिक के कर्तव्य, तो इसको ना पॉइंट सिस्टम लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड, लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, 10 नंबर का है। तो लीडरशिप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव समूह को मोटिवेट करने की क्षमता को लीडरशिप कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अधिनायकवादी, प्रजातांत्रिक, सामरिक। थर्ड, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, एक नेता अपने अधीनस्थ को किस तरह मोटिवेट करता है, इसका होगा, ये तांत्रिक नहीं है, ठीक है, आंतरिक है, आंतरिक क्षमता जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यह एक कला है जिसका प्रयोग एक लीडर रणनीति अथवा मॉडल को लागू करने के लिए प्रयोग करता है। इसका अब होगा, नेता अधीनस्थ को मोटिवेट कैसे करते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्धि और हास्यवृत्ति, नैतिक साहस और निर्णय लेने की शक्ति, दूरदर्शिता और शिष्टाचार, परफेक्ट आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, फोर, नेतृत्व के 10 गुण लिखो, बुद्धिमत्ता, पहल, आत्मविश्वास, स्पष्टता, हास्यवृद्धि, उत्साह, वफादारी,
बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता, नैतिक साहस, इसके अलावा भी बहुत है। फिफ्थ, भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार लिखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, छह है, छह याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये सब भैया ये सब ना क्वेश्चन फंसा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन फेल कराते हैं, अच्छे से याद करना। सेना की प्रथाएं लिखो, राइट मिलिट्री प्रैक्टिसेस, आंसर होगा सभी को उचित सम्मान देना, सैल्यूटिंग, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूटिंग, राष्ट्रीय त्यौहार मनाना, मेडलों की इज्जत करना, वर्दी का सम्मान बनाए रखना, युद्ध जीतना, राष्ट्रीय पताका फहराना, स्त्रियों का सम्मान करना आदि, ये सेना की प्रथाएं हैं। सेवन, संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? तो मानव संसाधन विकास एक संयुक्त है जिससे मानव शक्ति, ऊर्जा, संसाधन, कच्चा माल तथा धन यानी उत्पादन और परिवर्तन तीनों आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व की प्रगति हेतु आवश्यक तत्वों का नाम लिखो, मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर मायने रखते हैं? तो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, निर्णय लेने की क्षमता, किसी से प्रभावित होना, प्रसन्न व प्रसन्नता का प्रदर्शन, वफादार और लगनशीलता, सकारात्मक सोच, साहस, बातचीत करने का तरीका, ऊंचा चरित्र, देशभक्ति। तो दसों लिखेंगे, दस नंबर का है तो दसों याद कीजिएगा, पांच को नहीं। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, बीस नंबर का। फर्स्ट, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? तो लीडर तीन प्रकार के होते हैं। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल क्षमता ये होगा। थर्ड, सामाजिक शिष्टाचार हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है, समाज में, डी होगा। नेक्स्ट, फोर, नागरिक के उत्तरदायित्व है कर का भुगतान करना, सी होगा, मतलब टैक्स पे करना। फिफ्थ, डेमोक्रेटिक शैली का प्रकार है तो नेतृत्व का, ए होगा। सिक्स, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? तो उसे पहल करना कहते हैं, बी होगा। सेवन, ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? उसे ड्यूटी यानी कर्तव्य, बी होगा। इसके आंसर्स नहीं दिए हैं बटालियन ने। एट, नेतृत्व का मुख्य उपयोग है आत्मविश्वास जगाना भी है, हौसला बढ़ाना भी है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना भी है, यानी डी होगा। सॉरी, नेतृत्व का उपयोग इसमें ना ऑल होगा, यहाँ पर ठीक है, मिस्टेक है ये, ऑल ऑफ दिस होगा। नाइन, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? उसे अनुशासन कहते हैं, ये होगा। टेन, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? तो अनुशासन कहते हैं, सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 22 नंबर का। फर्स्ट, आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका क्या है? आंसर 10 नंबर का है भैया, 10 पॉइंट। एक देख लो, बटालियन ने आंसर बनाया है, जितने नंबर का क्वेश्चन उतने नंबर पॉइंट में आंसर, ऐसी एनसीसी में होता है, फंडा है नंबर लेने का। फर्स्ट, कैडेट आपदा के दौरान सड़क मरम्मत कर सकते हैं। सेकंड, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। थर्ड, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर। फोर, परिवहन व्यवस्था में मदद करके। फिफ्थ, भूखों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद। सिक्स, लोगों को ठीक जानकारी देना तथा अफवाहों को रोकना। सेवन, सुरक्षात्मक कार्यों में मदद। एट, रक्तदान करके। नाइन, विद्युत व्यवस्था बहाल करने में मदद। टेन, प्रशासन द्वारा जो कार्य सौंपे जाए उन्हें अनुशासित तरीके से पूरी करके। तो 10 पॉइंट, 10 नंबर टनाटन मिलेगा। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना, सेम क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा दो प्रकार की, प्राकृतिक आपदा, एग्जांपल दे देंगे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन आदि, कृत्रिम यानी मैनमेड डिजास्टर, जनसंख्या विस्फोट, महामारी, परिवहन दुर्घटना, आतंकवाद, भाषावाद आदि। थर्ड, आपदा किसे कहते हैं? तो आपदा वह विषम स्थिति है जो मानव एवं जीव समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करती तथा जन सामान्य की दिनचर्या में व्यापक व्यवधान उत्पन्न कर देती है, कभी कभी तो जीवन शैली भी बदल देती है, क्योंकि इसमें भारी क्षति पहुंचती है तथा इसमें संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, उसे आपदा कहते हैं, जिस पर मानव का कंट्रोल नहीं होता है। इसको ना आप समझ के अपने अनुसार, जैसे मैंने आपको आंसर बताया नोट्स में, टॉपिक वाइज में जाकर देखना नोट्स में, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो SSCD है, अभी दिख गया ना आपको 2024 का पेपर, सोशल अवेयरनेस को सोशल सर्विस कर दिया।
36 नंबर का पूछेगा, इसका वेटेज बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में साक्षरता की कमी के कारण लिखो। अपर्याप्त कम संसाधन, जातिवाद, गरीबी, राजनीतिक इच्छा की कमी, लिंग पक्षपात। सेकंड, ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आय को बराबर करना, सी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आबादी को नियंत्रित करना, डी विकास कार्यों में संसाधनों के बांटने के समानता लाना, ई रोजगार के साधन जुटाना, एफ ग्रामीण आबादी का सशक्तिकरण करना, ठीक है, और एक शिक्षा के अवसर प्रदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश में सामाजिक सेवा के प्रकार लिखिए। इसका होगा सात नंबर का है, सात पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी की व्यवस्था और रसोई ईंधन, सड़क बिजली और साफ सफाई, वृद्धा सहायता, रोजगार, सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल और सुरक्षा, पुनर्वास, मनोरंजन, खेल और सामाजिक क्रिया, परिवार नियोजन और पोषक तत्व। तो इसमें से ना आप याद सारे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सात नंबर का, आपको सात पॉइंट्स लिखने हैं। फोर, लड़ाई के दौरान एनसीसी कैडेट जनता और प्रशासन की किस तरह मदद कर सकते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भैया, इसका आंसर ना जल्दी नहीं मिलते हैं, लड़ाई के दौरान दिया है। तो सिविल प्रशासन की मदद करना, विद्युत संचार व्यवस्था बनाए रखना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट पॉइंट सिस्टम में याद करना, जनता को प्रशासन एवं कानून के तहत सही बातों की जानकारी देना, थर्ड पॉइंट, लड़ाई के दौरान यदि सेना की कमी पड़ती है तो एनसीसी द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार कैडेटों को हथियारों को लेकर मैदान में उतरना चाहिए, फोर अर्थात दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से हार नहीं मानना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे देश की प्रमुख समस्याएं लिखो। निम्न समस्याएं हैं, आंसर नीचे में है। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है तथा नेताओं ने देश को लूट लिया है। ये देख रहे, नेताओं ने देश को लूट लिया है, परफेक्ट है। जनता एक अच्छा नेता चुनती है जिससे कि भ्रष्टाचार, लूट, हत्याएं, अपहरण जैसी गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके, लेकिन चुनाव के समय सभी नेता जनता के सामने अपनी सुख साख बहुत अच्छी बताते हैं एवं ईमानदारी के गुणगान करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। नेता ही देश का बंटाधार करने पर उतारू है, मतलब बंटवारा। सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान हमेशा से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है तथा हर वर्ष हजारों भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, परंतु इन नेताओं ने आज तक भारतीय सेना को पाकिस्तान के आतंकवादियों को पर हमला करने का आदेश नहीं दिया, परफेक्ट आंसर ये। ना तो आदेश दे देगा एकदम फुल ऑर्डर, मार के धुआं धुआं कर देगा इंडियन वाला आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 28 नंबर का, इसका भी वेटेज बढ़ा दिया। फर्स्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पाँच बातें, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना, प्रतिदिन स्नान करना, संतुलित भोजन करना, प्रातःकाल सोकर उठना, नियमित व्यायाम करना। हम कैसे सोएंगे, अभी 3:33 हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4:05 बज जाएगा। सेकंड, तो आप लोग ना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखें? फर्स्ट, रेल लाइन से दूर रहो, पानी की सुविधा, सड़क के पास, शौचालय का स्थान दूर हो, लंगर स्टोर तथा कोत आसपास ना हो, 5 परफेक्ट पॉइंट लिखेंगे। थर्ड, कैंप हाइजीन से आप क्या समझते हैं? सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, याद करेंगे अच्छे से, और अपने अपने ना एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी पढ़ लें। कैंप साफ जगह पर लगा हो, कुक हाउस की साफ सफाई हो, नहाने की जगह दूर हो, शौचालय की व्यवस्था कैंप और कुक हाउस से दूर हो, कैंप में रहने की व्यवस्था अच्छी हो, 5 पॉइंट याद करेंगे। फोर, मलेरिया और डेंगू से अपने आप को कैसे बचाएं? फर्स्ट, मच्छरदानी और ऑडोमोस का प्रयोग, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, क्लोक्विन का प्रयोग, गंदे पानी को जमा ना होने देना, दरवाजे और खिड़की में जाली का होना। नेक्स्ट फिफ्थ, कैंसर फैलने के मुख्य कारण, मतलब कैंसर किन किन रीजन से होता है? तंबाकू का सेवन करने से, प्रदूषण से, मानसिक तनाव से, खान पान में गड़बड़ी से, जीवन शैली में अवांछनीय परिवर्तन से। सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का, प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारी? तो कालरा, पेचिस, कोई भी लिख देंगे, पेचिस, पीलिया, अल्सर, अतिसार। बी, चेचक रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। सी,
छोटी माता रोग किससे होता है? वायु से होता है, हवा से। डी, टीबी एक कैसी बीमारी है? तो संक्रमण बीमारी है, फैलने वाली। ई, सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन? तो एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। वाइट नहीं होता, ठीक है, वेनम होता है, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का। फर्स्ट, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, यहाँ पर पांच दे दिया, चार ही आप याद करेंगे, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये वाला ना जल्दी नहीं बताते, बट आप याद कर लेना, लिखना चाह रही, ठीक है। सेकंड, पर्यावरण क्या है? आंसर, जहाँ पर हम रहते हैं और वहाँ पर चारों ओर का वातावरण हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा हम भी उसे प्रभावित करते हैं यदि किसी जीव का पर्यावरण है। थर्ड, वन्य जीव की महत्ता को लिखें, मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व वन्य जीव का। तो वन्य जीवन से मानव जाति को अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं, ये मानव जाति की खुशहाली के मूलधार हैं। ये जीव आर्थिक लाभ तथा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में परोक्ष रूप से लाभ प्रदान करते हैं, जैसे उद्योग, रोजगार, वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोरंजन के साधन। पूरा लिखेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद करना, पूरी वीडियो देखना। फोर, पर्यावरण को नष्ट होने से रोकने में एनसीसी कैडेटों का क्या योगदान? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैंने एनसीसी कैडेट पर्यावरण को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सहायता करेंगे? तो आंसर पहले ऊपर में ये लिख देंगे कि निम्नकार, वृक्षारोपण। सेकंड, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाव के लिए परिवार व मित्रों को जानकारी देना। थर्ड, जल संचय माने जल का स्टोर करना। फोर, कचरे का उचित निस्तारण। फिफ्थ, जन सामान्य को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, मतलब जनता को जागरूक करना। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 14 नंबर का, इसका भी वेटेज बढ़ा दिया, पहले 5 नंबर का था। फर्स्ट, किन्हीं 5 बाधाओं का नाम लिखो, क्लियर जंप, डबल स्ट्राइड, रैंप, स्ट्रेट बैलेंस, हाई वॉल, 10 है, कोई 5 लिख देंगे। सेकंड, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बी होगा, प्राकृतिक और मानवकृत। नेक्स्ट, थर्ड क्या दे दिया भैया, इसमें ना हिंदी इसका छूट गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि स्ट्रेट बैलेंस मतलब सीधी बीम की चौड़ाई और लंबाई, तो इसका चौड़ाई होता है 3 फीट, लंबाई होता है 12 फीट, ठीक है, 3 इंच मोटी, 12 फीट लंबी। फोर, लेफ्ट हैंड वर्ड किस हाथ से? तो लेफ्ट हैंड से पार करते हैं। फिफ्थ, रैंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो रैंप की ऊंचाई 4 फीट 6 इंच, ये होगा। नेक्स्ट, सिक्स, कौन सी बाधा गर्ल्स क्रेडिट को अलाउड नहीं है? तो डबल डी अलाउड नहीं है, नहीं तो उनका ना ठुड्डी फूट जाएगा। मैंने आपको बताया था ना क्लास में, एक तो पार कर लेगी, दूसरा में यहाँ पे मुंह के बल गिर जाएगी। लड़की लोग गुस्सा नहीं होना, ठीक है, कौनो कौनो पार करती है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया 10 नंबर का। फर्स्ट, तटीय क्षेत्र में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है? 5 नंबर का है, 5 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट, एनसीसी कैडेट द्वारा समुद्र के आसपास क्षेत्रों में जागरूक अभियान चलाकर। सेकंड, बीच की साफ सफाई में योगदान दे सकते हैं। थर्ड, बीच पर गंदगी न फैलाएं और लोगों को जागरूक करना। फोर्थ, लोगों को 3R के बारे में जागरूक करना, 3R कोई रूल होगा। नेक्स्ट, सेकंड, तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड कोस्टल एरियाज, 5 नंबर का। तट, जिसे समुद्र या समुद्री तट के रूप में भी जाना जाता है, को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ भूमि समुद्र से मिलती है या एक रेखा के रूप में जो भूमि और समुद्र तट के बीच की सीमा बनाती है उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं। पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट 110 नंबर का, आर्म्ड फोर्सेज 10 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स, ए, आईएमए स्थित है देहरादून में। बी, एलएमजी का फुल फॉर्म, सॉरी यहाँ पर नहीं, इंसास का फुल फॉर्म है, इंडियन न्यू नहीं होगा, ये ध्यान दें, यहाँ पर स्मॉल होगा, SML, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, उन्होंने न्यू मिस्टेक किया, ठीक है, न्यू नहीं होता। सी, थल सेनाध्यक्ष का नाम, तो अभी जनरल मनोज पांडे जी हैं। डी, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। ई, परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोत्तम खालिस्तान पुरस्कार है तो सबसे बड़ा। नेक्स्ट, सेकंड, थल सेना की कमान के नाम तथा उनके मुख्यालय, मतलब आर्मी का कमांड का नाम हेडक्वार्टर के साथ, पूरा याद करना, 7 कमांड है, तो पश्चिमी कमान चंडी मंदिर, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी कमान पुणे, केंद्रीय कमान सेंट्रल लखनऊ, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर और ट्रेनिंग कमान शिमला, 7 याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग। फर्स्ट,
उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? तथा बिना कंपास के दिशा मालूम करने की पांच विधि लिखो। 10 नंबर का है भैया, 2 क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2। तो उत्तर दिशा 3 प्रकार की, ग्रिड नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर, वास्तविक उत्तर। बिना कंपास दिशा मालूम करने के तरीके, सूर्य विधि, पेड़ पौधों द्वारा, मस्जिद द्वारा, तारों द्वारा, कब्र द्वारा, वास्तविक उत्तर। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, बियरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, फॉरवर्ड और बैक। बी, दिशाएं कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। सी, चुंबकीय उत्तर किसकी मदद से नापा जाता है? तो कंपास की मदद से, क्योंकि कंपास की नडिल मैग्नेट से काम करती है, चुंबक से काम करती है। डी, कंपास के ऊपर कितना डिग्री से कितना डिग्री तक अंक खुदा होता है? तो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। ई, खाली स्थान रेखा मार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, ईस्टिंग लाइन। थर्ड, कंपास के 5 भागों के नाम लिखो, मतलब 5 पार्ट्स नेम ऑफ कंपास, थंब, थंब रिंग, टंग नॉस, हेयर लाइन, डॉयल, कुछ भी लिख देना 5, ठीक है, मैंने आपको 15-20 बता रखे हैं। नेक्स्ट, नक्शा किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मैप? अब इसमें ना ध्यान दें, ये ना मैप का परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इसको आप याद नहीं करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, मैप का डेफिनेशन आप लिखेंगे, सुन लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लेना कि मानचित्र, चलिए आपको ना अच्छे से बता देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। मानचित्र कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ टुकड़ा जिस पर पृथ्वी के, अब यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, पृथ्वी के जिसके ऊपर, इसको हटाइए, जिसके ऊपर पृथ्वी के, नोट कर लेना, पृथ्वी के किसी, ये 3 पॉइंट लिखना कंपलसरी है, तभी परफेक्ट होगा। फर्स्ट, किसी निश्चित निश्चित भूभाग को, भूभाग को किसी निश्चित स्केल पर, ये लिखेंगे किसी निश्चित स्केल पर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा, किसी निश्चित स्केल पर किसी निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा, सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया गया हो, प्रदर्शित करता हूँ, मैप कहलाता है, ठीक है। फिफ्थ, रात्रि प्रचलन के समान के नाम लिखो, मतलब नेविगेशन पार्टी के समान, कौन कौन सा समान यूज करती है? मोस्ट VVI है। सेट किया हुआ कंपास, ल्यूमिनस स्टिक, सफ़ेद कपड़ा, चाकू या चूना, चौक या चूना, झंडा, कंबल, कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक FCBC 30 नंबर का, फील्ड क्राफ्ट एंड मेटल क्राफ्ट। ए, एक सेक्शन में कितने LMG, कितने RL के हथियार होते हैं? तो एक सेक्शन में 7 राइफल, 1 LMG होता है, 2 गो नहीं होता है, और RL एक होता है और CMG एक होता है, ठीक है। बी, एक सेक्शन को खाली स्थान और खाली स्थान ग्रुप में बांटा गया, तो 2 ग्रुप में, राइफल ग्रुप और सपोर्ट, यानी असाल्ट और सपोर्ट ग्रुप। सी, फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, हाथ से, हथियार से, सीटी से। डी, लड़ाई के मैदान में कमांडर और ट्रूप्स को हमेशा खाली स्थान मिलाप में रहना चाहिए, तो नजरी मिलाप में, नया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, ई, बाएं हाथ से कितना डिग्री? 19 डिग्री। सेकंड, दूरी को अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं? इकाई का, दिखाई का, की रेंज, सेक्शन का औसत, ब्रैकेटिंग, हाविंग, 6 मेथड है, हर साल पूछता है, ये फिक्स है प्रैक्टिकल में भी। थर्ड, सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखो, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड, एरोहेड, स्पीयरहेड, एक्सटेंडेड लाइन, 6 प्रकार होता है। फोर, GRIT, ग्रिड का पूरा नाम, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट, टाइप ऑफ फायर। फिफ्थ, निम्नलिखित का मिलान करो, तो इसमें आपको आंसर मिलेगा। PP का मतलब इसका है स्टे बिहाइंड पार्टी, रेकी पेट्रोल, गेटवे मैन, अम्बुश, कवरिंग पार्टी, डिफेंस, म्यूचुअल सपोर्ट, क्विक अटैक, ORF। याद कर लेना, सारे नए हैं, डिफिकल्ट है ये। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 14 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स। एक प्लाटून में कितना MM मोटर होता है? 51 इंच एक होता है, सॉरी, 151 MM मोटर होता है। बी, एक राइफल कंपनी में कितना 7.62 MM LMG होती है? 2। सी, एक पैदल सेनावाहिनी में कितने 81 MM मोटर होता है? तो 6। डी, एक पैदल सेना में कितने ATGM लागू है? 8। याद कर लो सभी लोग, ये ना क्वेश्चन मोस्ट VVI है, बहुत जगह पूछा इस बार प्री टेस्ट में। ई, एक पैदल सेना की सेक्शन में कितने 84 MM RL होते हैं? तो 1। सेकंड, पैदल सेना के 5 हथियारों का नाम, मतलब इन्फेंट्री सेना के 5 हथियार, MMG, ATGM, 81 MM मोटर
LMG इंसास राइफल। थर्ड, भारतीय सेना के अंगों के नाम, तो भारतीय सेना के तीन अंग है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का। फर्स्ट, युद्ध के कारण लिखो, मोस्ट VBI। राजनीतिक कारण, भावनात्मक कारण, सामाजिक या आर्थिक कारण, आदर्शवाद, कूटनीतिक युद्ध। सेकंड, आज़ादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध लिखो, तो कश्मीर अभियान 1947-48, भारत चीन युद्ध 62, भारत पाकिस्तान 65, भारत पाकिस्तान 71 और कारगिल अभियान 1999 भारत पाकिस्तान। थर्ड, किसी देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखो, ये सब मोस्ट VBI है, ये सब गूगल पे भी जल्दी नहीं मिलेगा, बुक में तो देगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को ना अपने ग्रुप में शेयर कर देना जरूर सभी लोग। किसी देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मानव संसाधन, सीमाएं और सीमांत, प्राकृतिक बनावटी बाधा, भूभाग। कोई 5 लिख देंगे, 6 दिया है। मैच द फॉलोइंग, अब्दुल हमीद, महारानी लक्ष्मीबाई, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, अग्नि। अच्छा, इधर मिलाया नहीं है, मैच द फॉलोइंग मिलान करके दिया है ना, बट अब्दुल हमीद का तो इधर दे दिया, लक्ष्मीबाई का हो जाएगा झांसी की रानी, ए में इसका ए होगा। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 57, डी होगा। महाराणा प्रताप, राजस्थान, ई होगा। अग्नि प्रक्षेपण क्या होगा, अब्दुल हमीद भारत पाकिस्तान युद्ध में, सी होगा। और अग्नि प्रक्षेपण का हो जाएगा बी, ये मिसाइल, ठीक है, देख लेना पिछला ना मैच द फॉलोइंग देख लेना, उसमें कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, ऐसे ऐसे करके उसको आप मिला लीजिएगा। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का। सेना में संचार के कौन कौन से साधन है, तो लाइन कम्युनिकेशन, नेट रेडियो, रेडियो रिले, मोबाइल कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, डिस्पैच, रीडर सर्विस। 5 नंबर का है, 5 पॉइंट। इसका भी आंसर जल्दी नहीं मिलेगा ना, कोई पढ़ाएगा। नेक्स्ट, सेकंड, कौन सा साधन राष्ट्रीय नागरिक समृद्धि के लिए NCC में सूचना साझा करने का माध्यम है, डी ऑप्शन दिया है, रेडियो, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। थर्ड, विच ब्रांच आर ट्रेंड इन द कम्युनिकेशन आर्ट्स इन NCC, तो इसमें भी नवी, नवल विंग, एयरविंग, आर्मिंग, तो तीनों होता है, डी होगा। टोटल इतने क्वेश्चन थे, तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको जिनको PDF परचेज करना है, कोई बुक नहीं लेगा, ठीक है, बुक में डाटा नहीं मिलेगा, तो आप PDF के लिए यहाँ मैसेज कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद दे दिया जाएगा 9341325130 पर, ठीक है, सारा डाटा होगा। और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करेंगे www.tejasnccarmy.com, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे इस वेबसाइट पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे और इस नंबर पे आप PDF के लिए मैसेज करेंगे, ठीक है, पेमेंट करने के बाद दे दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग और वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर देना, कल फिर एक मॉडल पेपर होगा, ठीक है, देख लेंगे। और ड्रिल को ना रिटर्न से हटा दिया, तो पेपर 1 पार्ट 2 से शुरू होगा, वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का, मिसलेनियस पेपर 3 230 का, और फिर आपका इधर बॉर्डर एरिया, और फिर नीचे आपका ना टोटल ये हो गया कॉमन सिलेबस 240 का, जो आर्मी, एयर, नवल तीनों के लिए है। फिर इधर आपका नीचे में होगा स्पेशल सिलेबस 110 नंबर का, ठीक है, ये सारे टॉपिक। तो टेस्ट पूरा, मतलब पूरी वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप याद करेंगे आंसर के साथ है, ठीक है। इधर इंस्ट्रक्शंस दिया है, आप इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं आपको किस तरह से आंसर देना होता है। तो ए ग्रेड सभी को दिलाऊंगा, आप रेगुलर शाम में 7 बजे क्लास करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी को राम राम, जय हिंद।